हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज वाला जो लेक्चर है ये लेक्चर है लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर वन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉम फंडामेंटल्स तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको टॉपिक नंबर वन से लेकर फाइव तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था और हम लोगों ने क्वेश्चन वन से फाइव तक के सोल्यूशन भी हम लोगों ने कर लिया था ये रहा आपका बुक दो हज़ार का सेशन है ये वाला हम लोगों का तो क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था यानी सॉल्व कर लिया था पिछले क्लास में क्वेश्चन टू भी कर लिया थ्री भी कर लिया था फोर भी कर लिया था और फिफ्थ भी कर लिया था इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू फॉर्म जिसका क्वेश्चन सिक्स से लेके क्वेश्चन नंबर नाइन तक है और फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू फॉर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर इसके क्वेश्चन टेन से लेके कर तक है तो ये वाला जो है हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे और यू कैन से बाद वाले लेक्चर्स में करेंगे आज वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर टू है उसके अंदर हम लोग टॉपिक करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रप्रपेशन वाले और क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके लिए तो आज वाले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर टू है उसमें हम लोग अपना टॉपिक नंबर सिक्स पहले तो कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ से और फिर जाके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख लो टॉपिक नंबर सिक्स से जो क्वेश्चन है आपके टी एस अग्रवाल सर की बुक के अंदर वो आपको मिलेगा सेम यही क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से लेके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो ये वाले क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड हैं ठीक है तो टॉपिक नंबर सिक्स जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला टॉपिक भी कहते हैं यानी कि इस टॉपिक में मेनली हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है अब आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है या क्यों बनाते हैं तो उसका सिंपल आपने आंसर देना है जो भी पार्टनरशिप फॉर्म नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कमाती है साल के एंड में उस प्रॉफिट या फिर लॉस को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ठीक है उनके गिवन रेशोज में यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को प्रॉफिट ऑफ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं टोटल नाइन देखो जरा सबसे पहला है पार्टनर सैलरी पार्टनर्स कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राॅइंग्स है अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व ऑल्सो जनरल रिजर्व उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जिसको एडवांसेस भी कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉम टू पार्टनर रेंट पे टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन ये छोटे छोटे टॉपिक जो हैं इन सबको मिला के अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी लिखा रहेगा क्वेश्चंस के अंदर तो इसको भी कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको भी डील करना है बाकी ये जो स्टार्टिंग के पांच टॉपिक है जिसे हम लोग अप्रोपियेसन बोलते हैं कौन कौन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स पार्टनर्स की सैलरी पार्टनर्स का कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व इसे हम लोग अप्रोपियशन बोलते हैं इसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना ये क्या होता है ये एज अ चार्ज भी हो सकता है और एज अ अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और नीचे के जो चार टॉपिक है इंटरेस्टल पार्टनर्स लोन इंटरेस्टल लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर उसके अलावा जो है रेंट पेड टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन ये ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा चार्ज रहेगा अब सर ये चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है वी विल डिस्कस डोंट वरी अबाउट दैट इसके पहले इसके पहले सबसे पहले हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे चार्ज और अप्रोप्रिएशन भी समझ लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आइए सबसे पहले आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लेना है या फिर आप स्क्रीन ले सकते हो आपके बुक में भी ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट का फॉर्मेट मिल जाएगा अब इसे मेन समझते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं तो नंबर वन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट ये जो है ये नेट प्रॉफिट है ये इस तरफ में हम लोग क्या लिखते हैं नेट प्रॉफिट लिखते हैं ये आपका नेट प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप फॉर्म नेट प्रॉफिट अर्न करा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करो क्लास इलेवेंथ में आप लोगों ने सीखा था जर्नल बनाना फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस फिर ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो वो सोल प्रॉपर्टर का बिजनेस था तो उसमें प्रॉफिट निकाल के सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे लेकिन यहाँ पे क्या है जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकलेगा पार्टनरशिप भी सारी चीज़ें करती जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफ़िट आएगा या नेट लॉस आएगा तो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको फर्दर हमें कहाँ क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे बिकॉज सोल प्रोडक्ट में एक ही ओनर होता था यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में तो उन सब में वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा तो जो नेट प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है उसे हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आएगा तो उसे हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे ठीक है अब प्रॉफिट आ गया यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ ना ये एडजस्टमेंट्स करने कुछ प्लस माइनस करने हैं वो क्वेश्चन में जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से आप कुछ कुछ प्लस माइनस करने हैं इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे अभी फिलहाल जो है हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में तो उसे आपको क्रेडिट साइड लिख देना है इसके अलावा क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलेगा क्या बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर्स पार्टनर्स क्या करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से जो ड्राॅइंग्स पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं तो उस पर पार्टनर को पैसे देने होते हैं फॉर्म को यानी कि अब एक चीज ध्यान से सुनना अकाउंट जब भी हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग क्या है अकाउंटेंट ऑफ पार्टनरशिप है मतलब पार्टनरशिप का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं फॉर्म का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं पार्टनर का नहीं बना रहे तो हमें सोचना है फॉर्म के हिसाब से तो मान लो हम फॉर्म हैं हम लोग सभी लोग फॉर्म है आप अपने को भी फॉर्म मानना पार्टनर मत मानना ठीक है तो इससे क्या होगा आपका अकाउंट जो है समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा तो हम लोग क्या है अकाउंटेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है अब फॉर्म ने फॉर्म ने क्या किया फॉर्म से पैसे निकाल के ले गया पार्टनर तो हम फॉर्म है हम कहेंगे भाई उस पर इंटरेस्ट मेरे को दो तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है इनकम है ये वाला क्या है इनकम है इसीलिए क्या आ जाता है क्रेडिट साइड में आएगा ठीक है क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जिस जिस पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया हुआ है और ये लास्ट में क्या है अगर डिफरेंस यहाँ पे आता है बैलेंसिंग फिगर से तो इसे हम लोग लॉस बोलेंगे और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में अब डेबिट साइड में क्या है अगर लॉस आया होगा नेट प्रॉफ़िट और नेट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट होएगा लॉस आएगा तो कोई लॉस होगा या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस को एक ही होएगा सिमिलर जब नीचे में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में अगर क्रेडिट साइड में बच जाता है उसे लॉस बोलते हैं लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बचेगा तो उसे प्रॉफिट बोलेंगे जो कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है इसके अलावा यहाँ पे ये यह जो चार आइटम्स हैं वो है इंपॉर्टेंट नंबर वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड की बात कर रहे हैं अब हम सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर एंड ट्रांसफर टू रिजर्व तो ये टॉपिक जो है अलग से भी हमें पढ़ना है इसके क्वेश्चंस अलग से भी हैं आपके बुक के अंदर बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर जो 15 से 20 पढ़ेंगे उसमें ये नॉर्मल 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 पॉइंट्स का दिया होगा तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा बाकी इसके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो है आगे के टॉपिक्स में पढ़ना है जैसे यहाँ पे देखो दिखा दूँ यहाँ पे अलग से सभी हेडिंग का अलग अलग से क्वेश्चंस भी है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह भी करना सीखना तो यहाँ पे जो है इन सब पॉइंट्स को डील करना जो है हम लोग अलग से स्पेशली सीखेंगे बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है फिफ्टीन से ट्वेंटी उसमें मेनली हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है ओवरऑल क्या होगा ना एक एक करके कंसेप्ट वाइज हम जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे सारे पॉइंट्स और सारे टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी दे दे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो जैसा कि हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देना है फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है इसका डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर कमीशन टू पार्टनर ट्रांसफर टू रिजर्व ये सारे आइटम जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आइटम आपको क्वेश्चन में दिया हो मेन है ये पांच आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन ट्रांसफर टू रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन पांच में से इन पांच में से क्या होगा कोई भी एक भी दे सकता है दो भी दे सकता है पांचों के पांचों आइटम भी दे सकता है और बाकी तो जो ये वाला है ये तो नेट प्रॉफ़िट है इधर पे ये नेट लॉस है या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कोई एक ही होएगा और बैलेंसिंग फिगर से डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में आएगा तो लॉस और इसको प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में बांटते हैं अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात है अगर कभी भी क्वेश्चन में लॉस होता है ना लॉस यानी कि क्वेश्चन में नेट लॉस दिया होएगा नेट लॉस दिया होगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन है डोंट वरी वी विल डिस्कस तो अगर कोई नेट लॉस होएगा ध्यान देना तो उसे यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन में दिया यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस आया तो उस केस में आप सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन ट्रांसफर ये सारी चीजें आप अलाउ नहीं करते हो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन का आइटम तभी अलाउ होगा जब प्रॉफिट आपके पास होएगा सफिशेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा ये तो इनकम है तो ये आपका आएगा अगर नेट लॉस हो नेट प्रॉफिट हो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तो जब भी दिया होगा हमेशा ये आएगा ओके तो ये चीज ध्यान रख लेना है क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारी चीज समझेंगे इसके बाद इसके बाद जो है हम लोग जर्नल एंट्रीज भी इसका देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जर्नल एंट्री का कंसेप्ट क्या है ये ऑलरेडी आपने इलेवन्थ क्लास में पढ़ा था अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी डेबिट साइड वाले आइटम होते हैं वो सारे एक्सपेंस होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं एक्सपेंस है और क्रेडिट वाला क्या है ये इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है आपके लिए इनकम है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कौन है फॉर्म ना तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन डॉइंग्स क्या है इनकम है पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या है एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस है कमीशन एक्सपेंस है और ट्रांसफर टू रिजर्व भी आपका क्या है एक्सपेंस है तो जरंटीज करना है तो या तो रटने वाला या समझने वाला मैं दोनों तरीका समझा देता हूँ देखो रटने वालों के लिए क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है पहले क्रेडिट साइड वाले की बात करें तो अगर ये आपने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसकी जरंटीज़ क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा ये और डेबिट में क्या आएगा बाय वाला डेबिट में आता है रने वाले ध्यान दो बाय लिखा हो ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट जो यहाँ पे अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए ये भी बाय है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट और लॉस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रप्रोपेशन अकाउंट इस तरफ वाले के लिए क्या होगा हो ये सारे टू टू वाले तो टू वाले टू में लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट या पार्टनर सैलरी फिर वैसे ही पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व और फिर नेट प्रॉफिट लेकिन ये मैंने एक एंट्री बताया इन सबके दो दो एंट्री होती है ध्यान से दो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री या चार्ज या अलाउ की एंट्री तो सबसे पहली जो एंट्री है आपको क्या याद रख लेना है अगर आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट यदि लॉस हुआ है तो पी एन एल अप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई एक ही होगा इन दोनों में से कोई एक ही होगा फिर नेक्स्ट आता है क्या कमीशन या सैलरी तो पार्टनर्स का जो कमीशन है या पार्टनर्स की सैलरी दोनों सेम होता है एक्सपेंस होता है फॉर्म के लिए तो दोनों की एंट्री सेम ही एक ही जैसी होती है तो एक ही में लिख दिया अगर सैलरी है तो आप पहली एंट्री क्या लिखोगे ये होता है बेसिकली अलाउ करने का हम फॉर्म हम लोग फॉर्म जो है अलाउ कर रहे हैं सैलरी दे रहे हैं किसको पार्टनर्स को तो उसके लिए है क्या पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट तब होता है जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है आगे हमें सीखना है ठीक है अभी आपको ध्यान रख लेना है कुछ भी नहीं देगा तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू सारे काम करने अगर जैसे ही कैपिटल फिक्स बोल दे तो करेंट अकाउंट आएगा इसके भी क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है फिफ्टीन से ट्वेंटी वाले जो क्वेश्चन है उसमें फिक्स कैपिटल भी बोलेगा तो वहाँ पे करेंट कर देना है नेक्स्ट है क्या ट्रांसफर कीमती और इससे जरंटीज आया था आपके पिछले साल के एग्जाम में मतलब इसी साल जो आप जिस ईयर uh, में हो उसके पिछले साल वाले एग्जाम में सी बोर्ड ने वन मार्कर का एम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वट इज द ट्रांसफर एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था आई गेस या ड्रॉइंग्स का पूछा था तो ये कमीशन का है देखो यहां पे एक एंट्री अलाउ का है और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की होती है तो अलाउ की एंट्री क्या है देखो सैलरी कमीशन के लिए पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट और ट्रांसफर की एंट्री पी एन टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट इंटरेस्ट की बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है तो पहली एंट्री हो जाएगी क्या अलाउ करने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनरस कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट फिर उसके बाद आएगा ट्रांसफर टू पी एन एल प्रिपेशन तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सपेंस नहीं होता इनकम होता है तो इस केस में एंट्री उल्टी हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट दैट इज कॉल्ड चार्ज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करा है ड्रॉइंग से ही क्वेश्चन था इसके अलावा है क्या इसको भी ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तो ये है हमारे लिए इनकम तो इसलिए पी एन एल के क्रेडिट साइड में आएगा तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट और नेक्स्ट और, और, नेक्स और लास्ट एंट्री क्या है नेक्स्ट नहीं सेकेंड नेक्स्ट से उसके अलावा एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता है आउट ऑफ प्रॉफिट तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व इसकी एक ही एंट्री होती है उसके अलावा डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट एक ही बात होता है या फिर लॉस तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट और यदि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे जनेटीज के क्वेश्चन ना के बराबर आता है एमसीक्यू में आ सकता है तो इसको अच्छे से इसका भी कंसेप्ट करके जाना ठीक है थीके? अब बात करते हैं क्या ये नीचे छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे ना इसके अलग से डिटेल में है अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं तो यही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट अच्छे से आपको समझा आ गया है और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अगर आप चाहो तो पेन से और पेन क्या कह सकते हो आप अपने नोटबुक में खुद से भी बना सकते हो उसको देख के अब मेन बात करते हैं यहाँ पर देखो जी इंपॉर्टेंट बात है और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे देखो जब भी प्रॉफिट दिया होगा नेट प्रॉफिट तो कभी कभी क्वेश्चन में ये सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं एडजस्टमेंट का मतलब प्लस माइनस करना होता है आप यहीं पर कर देना ये वो आइटम्स है जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जैसे कौन कौन से आइटम तीन आइटम मेन आएगा ज़्यादातर एक तो आएगा रेंट टू पार्टनर मैनेजर कमीशन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और एक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर भी होता है वो होगा तो उसे आप प्लस करोगे वो भी आप लिखी लो यहाँ पे अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन है बाय फॉर्म टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर तो उसे हम लोग ऐड कर देते हैं ठीक है जी थी? इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन में बोलेगा सैलरी और कमीशन सैलरी और कमीशन जो है आफ्टर नेट प्रॉफिट यानी जो नेट प्रॉफिट है ना वो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन है तो उस केस में उस सैलरी और कमीशन को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे सही से लिख लो जरा नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर सैलरी और कमीशन बोलेगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी और कमीशन बोलेगा तो उस केस में सैलरी और कमीशन आप क्या कर लेना ऐड कर लेना नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन तो उस केस में आप इसे ऐड कर लेना यहां पे बोलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन तो आप सैलरी और कमीशन को भी ऐड कर देना और फिर जाके वो आएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाओ और फिर उसको सही करके उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे ट्रांसफर करो या यहीं पे आप प्लस माइनस कर सकते हो तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहीं पे आप प्लस माइनस कर लोगे तो भी काम बन जाएगा अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे डोंट वरी अब यहाँ पे आओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ तो सबसे पहला क्वेश्चन फिफ्टीन है जो कि आपको होमवर्क में करना है ये आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्टीन आसान सा है हो जाएगा आपसे होमवर्क में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 18 कर लें क्या वैसे हमें क्वेश्चंस कौन से कौन देखो इसमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 20 भी इंपॉर्टेंट है आपका 21 भी सॉरी 20 है नाइनटीन्थ भी है एटीनथ भी इंपॉर्टेंट है सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है सेवनटीन्थ भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीनथ भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन फिफ्टीन जो है आसान है ओके okay. तो एक काम करते हैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन फिफ्टीन करा देता हूँ सारे क्वेश्चंस वी विल डिस्कस वन वन बाय तो सबसे पहले हम लोग फिफ्टीन क्वेश्चन कहते हैं फिफ्टीन नंबर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अब ध्यान से देखो फिफ्टीन नंबर में क्या कह रहा है कह रहे हैं क्या विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स विनोद्स कैपिटल वन लैक एंड मोहन कैपिटल सिक्सटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर बाद विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ थ्री थाउजेंड पर मंथ याद रखना सैलरी के केस में क्या होता है सैलरी या तो पर मंथ देगा पर एन देगा या फिर आपका पर क्वार्टर देगा सैलरी क्या देगा पर मंथ पर एन या पर क्वार्टर हाफ ईयरली भी दे सकता है देखो जब भी सैलरी होगा छोटे छोटे पॉइंट्स अलग से डिस्कस करते हैं हम लोग इसको और भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराएंगे जिसके क्वेश्चन भी अलग अलग टॉपिक से बट यहाँ पे बता दे रहा हूँ देखो सैलरी के केस में या तो पर मंथ देगा पर एन देगा या पर क्वार्टर देगा पर एन देगा तो कुछ नहीं करना जैसे पाँच हज़ार छः हज़ार है तो डायरेक्टली उसी को लिख लेना है अगर आपको क्वेश्चन में पर मंथ सैलरी दिया हुआ है तो आपने क्या करना है भाई पर मंथ है तो एक बात बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने होते हैं एक साल में बारह महीने होते हैं तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है टू से अगर थ्री पर मंथ है तो थ्री हंड्रेड इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स हंड्रेड हो जाएगा फोर थाउजेंड पर मंथ बोलेगा तो फोर थाउजेंड इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट थाउजेंड हो जाएगा और यदि बात कर लें क्वार्टरली का तो एक साल में चार क्वार्टर होते हैं तीन तीन मंथ के हम लोग एक क्वार्टर बोलते हैं तीन तीन मंथ्स को एक क्वार्टर बोलते हैं तो बारह महीने में चार क्वार्टर होते हैं तो अगर फाइव थाउजेंड पर क्वार्टर है तो फाइव थाउजेंड इंटू फोर ट्वेंटी थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड पर क्वार्टर है तो सिक्स थाउजेंड इंटू फोर ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये हो गया और ट्वेंटी थाउजेंड ये हो गया ऊपर वाला तो इस हिसाब से आपका सैलरी दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने पर मंथ बोला है तो आपने मल्टीप्लाई करना है थ्री थाउजेंड इंटू ट्वेल्व तो थर्टी सिक्स थाउजेंड हो जाएगा पूरे एक साल की सैलरी फिर आगे कह रहा है क्या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज एटी थाउजेंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट और नेट प्रॉफिट आपका एटी थाउजेंड दिया हुआ तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन ये लो यहाँ पे मैंने ये रहा चैप्टर नंबर वन है आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वाला सोल्यूशंस ऑफ टी एस गुरवाल सर की बुक और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉम फंडामेंटल्स क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव पिछली क्लास में ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था थ्योरी वाला क्वेश्चन था आज का जो हमारा टॉपिक है आज वाला टॉपिक हम लोग का वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट जिसका क्वेश्चन जो है फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी तक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट का आ जी आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग आप चाहो तो साथ साथ में बना भी सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रुपीज का पर्टिकुलर्स का कॉलम और एग्जाम में आप ये सारी चीजें क्या करोगे एक एक चीज आपको लिखना है अदरवाइज आपके मार्क्स जो है कट सकते हैं यहाँ पर लिखना प्रॉफिट एंड लॉस ये भी फुल फॉर्म लिख लो पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आंसर कौन सा है यहाँ पे लिख लो ऊपर में आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले इसने हमें क्या दिया था नेट प्रॉफिट सबसे पहले एक बात बताओ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज रुपीज़ नेट प्रॉफिट इज रुपीज़ एट्टी तो आपने लिख लेना है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखोगे बाय प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट्टी इसमें कोई दिक्कत इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है क्यों क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं है साथ में ना तो मैनेजर कमीशन है ना तो रेंट टू पार्टनर ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या बाय फ्रॉम टू पार्टनर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सीधा सीधा कर देना इसके बाद इसने बोला हुआ क्या कैपिटल एक लाख और साठ है किसका विनोद और मोहन का और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सिक्स तो सिक्स देना है ये पर एन है तो पूरे एक साल का अगर ये कैपिटल दिया हुआ है विनोद का एक लाख तो छह परसेंट के हिसाब से कितना आ गया अगर आपका सिक्स परसेंट के हिसाब से वन लाख का कितना आ जाएगा आपको सिक्स थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड का सिक्स परसेंट से निकालोगे तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड आ जाएगा तो इसे आप लिख लो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस किस का था विनोद एंड विनोद एंड कौन सा है मोहन तो ये आ जाएगा आपका सिक्स थाउजेंड इनर कॉलम में लिख लिया आप चाहो तो आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो और मैंने डायरेक्टली टोटल करके लिख दिया नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसे आसान रहता है टोटलिंग करने में इसके बाद आपका क्वेश्चन में गिवन है क्या सैलरी थ्री थाउजेंड पर मंथ किसको विनोद को तो विनोद को सैलरी मिला है, तो यहाँ पे लिख लो सैलरी टू विनोद कितना आ गया थ्री थाउजेंड इंटू टूल टी सिक्स थाउजेंड बस खत्म हो गया इतनी था इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें अब क्या कर देना है आपको टोटल लगा दो यहाँ पे टोटल कर दोगे आप तो टोटल आएगा एट्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड का ज्यादा है डिफरेंस जो आएगा उसे हम बोलेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसका किसका विनोद का या फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू आप इस टाइप से लिखना प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू कौन से कौन से एक तो हो गया विनोद कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं बोला है तो कैपिटल अकाउंट अगर करंट बोलेगा तभी आप करंट अकाउंट लिखोगे मोहन कैपिटल अकाउंट तो जरा एक बार आप बताओ ये जो अमाउंट है वो कितना है यहां पे बताना है एट्टी थाउजेंड में से एट्टी थाउजेंड में से आप माइनस कर दो कौन सा थर्टी सिक्स और नाइन्टी सिक्स हंड्रेड दैट इज फोर्टी फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो डिफरेंस आया फोर और नाइन माइनस फोर सेवन माइनस थ्री तो थर्टी फोर फोर हंड्रेड तो यहाँ पे आप लिख लो थर्टी फोर फोर हंड्रेड और थर्टी फोर फोर हंड्रेड को रेशो में बांट दो क्या रेशो गिवेन है सर रेशो नहीं है तो इक्वली बांट देना है रेशो इफ इफ नॉट गिवेन तो हम लोग क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल यानी कि पार्टनरशिप डी नहीं है तो सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड टू ही आया है ना हाँ जी टू हंड्रेड तो ये आंसर आ गया आपका सेवनटीन टू और सेवनटीन टू तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट और हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी सॉल्व कर लिया ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मुश्किल तो ये हमने यहाँ तक कर लिया क्वेश्चन फिफ्टीन अब हम लोग करने वाले हैं कौन सा हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सोलूशन तो आइए सिक्सटीन हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या कह रहा है आपसे रीड कर लो एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ टू इज टू टू इज टू वन तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू इज टू टू इज टू वन है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हो फिक्स कैपिटल ओ हो फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर जैसे फिक्स कैपिटल बोलेगा ना आपने क्या करना है जो प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना वो कैपिटल में ना जाके किया पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा ठीक है तो फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर वर फाइव लाख फाइव लाख एंड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रिस्पेक्टली दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स that interest on capital is to be allowed at 10% per annum z is to be allowed at salary 2000 per month underline karo per month yahan pe per month likha hua hai per month fir aage keh raha hai profit of the firm for the year ended 31st march 2023 after debiting salary of 4 lakh ,00 oh my god यहाँ पे भी underline कर लेना after debiting है जो मैं adjustment की बात कर रहा था ना कुछ plus minus करेंगे profit and loss account के अंदर जो नेट प्रॉफिट दिया होगा बाय साइड में उसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे तो आ गया भाई आ गया जैसी वो आफ्टर बोला है ना आफ्टर डेबिटिंग सैलरी तो सैलरी को आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा सैलरी कौन सा ये वाला दो हजार इंटू बारह चौबीस हजार की जो सैलरी है इसे आपको डेबिट करना पड़ेगा समझ में ही बातें तब जाके कैलकुलेट होगा अदरवाइज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस आप प्रिपरेशन तो दो काम हम नहीं करेंगे हम सीधा शॉर्टकट तरीके से आसान तरीके से बना लेंगे उसमें भी आपको पूरे फुल में फुल मार्क्स मिलेगा ताजा जी सबसे पहले फॉर्मेट बना लो क्विकली यहां पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर किसका आंसर तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ठीक है डेट पर्टिकुलर्स रुपीज ये सारे अब आप लिख ही सकते हो आसानी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओके ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा और साथ में पर्टिकुलर्स हो जाएगा तो अब आइए जरा स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे बाय बाय क्या लिखोगे नेट प्रॉफिट मत लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर तो यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओहो ब्रैकेट क्यों सर ब्रैकेट क्यों देखो प्रॉफिट तो है चार लाख तो ये चार लाख अगर जैसे ही आप आउटर कॉलम में लिखोगे गलत हो जाएगा चार लाख में प्लस करना पड़ेगा क्या ये कह रहा है ना ये जो चार लाख रुपीज़ है प्रॉफिट वो आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी जेड के सैलरी को डेबिट करने के बाद है डेबिट मतलब उसमें से घटा रखा है हमने जो नेट प्रॉफिट आया था एक्चुअल उसमें से हमने जेड का जो सैलरी है टोटल चौबीस उसको घटा दिया था उसके बाद जो आया हुआ है वो चार लाख है तो बिफोर कितना आया होगा हमारा तो चार लाख प्लस चौबीस हज़ार आप करोगे तो हमारा प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आया था वो आया था चार लाख चौबीस हज़ार लेकिन उसमें से चौबीस हज़ार सैलरी घटा दिया और फिर वो बाद वाली जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसीलिए वी हैव टू एडजस्ट तो हमें कुछ प्लस माइनस करने होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्या यहाँ पर चौबीस को प्लस कर लेंगे समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया समझ में तो दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से देखो मैंने क्या कहा था आपको मैंने कहा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ये फॉर्मेट है ना यहाँ पे आपने क्या करना है क्वेश्चन में कभी कभी ये इस टाइप के इंफॉर्मेशन देगा तो इसे एडजस्ट करना है एडजस्ट मतलब प्लस माइनस जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा इसमें आप क्या क्या प्लस माइनस करोगे एक तो रेंट टू पार्टनर देगा माइनस कर दो मैनेजर का कमीशन देगा माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर माइनस कर दो और दो चीज़ें नेट प्रॉफ़िट आफ्टर सैलरी देगा तो सैलरी ऐड करो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन देगा तो कमीशन ऐड करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर है तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे आफ्टर सैलरी दिया था ना नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी तो चार लाख का नेट प्रॉफ़िट सैलरी है चौबीस का तो इन दोनों को क्या कर लोगे ऐड करोगे जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत तो इसलिए हमारा चौबीस हज़ार से आया तो भाई दो हज़ार इंटू महीना और दो पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था इसको तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है ये चौबीस हजार एड कर दिया इस चार लाख में अब आगे आ जाओ अब तो आसान है अब कुछ नहीं तो एक सैलरी है सैलरी दे दो और टेन परसेंट के हिसाब से आपको क्या करना है इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है पांच लाख पांच लाख और ढाई लाख पे दस परसेंट तो पचास हजार पचास हजार और पच्चीस हजार हो जाएगा तो यहां पे लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहाँ पे आप पता है क्या लिखोगे कौन कौन एक्स वाई जेड है ना तो एक्स का करेंट अकाउंट आएगा पता है क्यों क्योंकि फिक्स कैपिटल दिया हुआ था अगर फिक्स कैपिटल नहीं देता तो क्या आ जाता कैपिटल अकाउंट आता लेकिन जैसी कर फिक्स दे दिया है तो करेंट अकाउंट आएगा अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो आता कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे लिख लो दस परसेंट के हिसाब से पचास हजार पचास हजार और पच्चीस हजार और साथ में हमें सैलरी देना है सैलरी टू जेड यहाँ पे लिख लिया है हमने टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड और इसे ऐड करके लिख लो एक लाख पच्चीस हजार अब जब इसे आप टोटल करोगे तो चार लाख चौबीस हजार कोई ड्राॅइंग्स था नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स आएगा नहीं कोई कमीशन भी नहीं है और कोई ट्रांसफ़र टू रिजर्व भी नहीं है तो इतनी आएगा और बाकी आपने क्या कर देना है टोटल करके माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे लिख देना है प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू अब ध्यान देना ये प्रॉफिट्स भी कहाँ पे आएगा एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ तो प्रॉफिट कितना है सबसे पहले तो रफ़ में आप बैलेंसिंग फिगर से टोटलिंग करो जरा कितना है साथ साथ में आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो रफ़ में यहाँ पे कर लो जी चार लाख चौबीस हज़ार माइनस कर दो वन लैख ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फ़ोर तो वन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड ज़ीरो 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 ये फोर्टीन माइनस नाइन फाइव आ गया वन माइनस टू नाइन आ गया और ये टू लाख नाइन्टी फाइव थाउज़ेंड और जब आप इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है तो इन टू 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 वन है ना टू टू वन था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो टू बाय फाइव पहले निकालो पहले वन बाय फाइव निकालो फिर इसको डबल कर लोगे तो फाइव से करो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव नाइन ज़ा फिफ्टी नाइन थाउजेंड तो ये आएगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड इसका डबल कर लो वन लाख एटीन थाउजेंड वन लाख एटीन थाउजेंड एक बार मैच करा लो हाँ जी टेन परसेंट पच्चीस चौबीस आफ्टर डेवटिंग जेट्स सैलरी प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ गड़बड़ कर दिया क्या एक सेकेंड देखो चौबीस हजार है डिविजल प्रॉफिट है टू सेवेंटी फाइव हम लोग का डिविजल प्रॉफिट आया है टू नाइन्टी फाइव ओके आई एम सो सॉरी यहाँ पे प्लस करना भाई ये वन फोर्टी नाइन आएगा वन फोर्टी नाइन आएगा तो ये आ जाएगा टू सेवेंटी फाइव आएगा 275 सेवेंटी हाँ जी अब ठीक है तो 275 में डिवाइड कर लो तो 59 ना आएगा ये आएगा भाई 55 फाइव ज़ा फाइव फाइव ज़ा फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पे आपका आ गया है 55 और एक लाख दस हजार अब ये सही है कैलकुलेशंस में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो ये जो आया ना ये जो आया है आपका टू लैख सेवनटी फाइव अब ध्यान दो टू लैख सेवनटी फाइव इसे भी आप ध्यान रख लेना इस टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड को पता है क्या बोलते हैं इस टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड को हम लोग बोलते हैं डिविजल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल एक ही बात होती है डिविजल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसे हम लोग ये बोलते हैं एक काम करो इसको यहाँ पे लिख देते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी डिविजल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं ये आपको अच्छे से याद रख लेना है आगे चल के ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे चल के ये काम आएगा कि भाई इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं तो याद रख लेना इसको जो है हम लोग डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं ये ये जो होता है इसे ही हम लोग डिविजल प्रॉफ़िट बोलते हैं इसमें लिखने की जरूरत नहीं है मैं आपको सिर्फ समझा दिया है आगे के क्वेश्चंस में या कंसेप्चुअली कई बार कई जगह पे ये आएगा जैसे कि कई बार बोलेगा कि रिजर्व जो है हम लोग जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करेंगे टेन परसेंट फाइव परसेंट या जो भी वो किसका डिविजुअल प्रॉफिट का करेंगे या नेट डिविजुअल प्रॉफिट का करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको समझना पड़ेगा तो जो भी ये प्रॉफिट लास्ट में बच जाता है उसी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजल प्रॉफिट कहते हैं तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कर लिया नेक्स्ट पे आ जाओ जी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो फटाफट आप लोग देखो तो क्वेश्चन सेवनटीन पे जाओ क्वेश्चन सेवनटीन में क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन सेवनटीन आ जाओ क्वेश्चन सेवनटीन कह रहा है एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ थ्रीज टू टू विद कैपिटल्स ऑफ एट लैक्स एंड सिक्स लैक् रिस्पेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट फाइव परसेंट पर अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज सिक्सेंड तो यहां पे एनुअल सैलरी है ओ हो, इस बार एनुअल दिया है तो सीधा सिक्सटी थाउजेंड ले लेना है इस एनुअल दिया है तो सीधा सिक्सटी थाउजेंड ले लेना है. एक हाँ जी तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में सैलरी जो है वो एनुअल दिया हुआ है उसके बाद कह रहा है क्या विच हैज़ नॉट बिन विथड्रॉन तो नहीं किया है तो कोई बात नहीं कर लेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एनरेट थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 हजार तेईस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी टू लैख फोर्टी थाउजेंड फिर से देखो जी बिफोर कहेगा तो बिफोर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिफोर बोले ना बोले उससे कोई मतलब मेन आफ्टर जैसी उसने वर्ड बोला ना आफ्टर जैसी उसने वर्ड बोला आफ्टर चार्जिंग सैलरी वाई की सैलरी वाई की सैलरी तो वाई का सैलरी कितना है वाई का सैलरी है सिक्सटी थाउजेंड ध्यान से देखो तो जैसी वाई का सैलरी है फिर से दोबारा क्या करोगे आप ऐड करोगे अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में देखा था यहाँ पे जेड की सैलरी के बाद प्रॉफिट दिया था तो जेड की सैलरी ट्वेंटी फोर थाउजेंड था तो उसे आपने ऐड कर दिया था सेम एज इट इज़ ये टू फोर्टी है ना तो इसमें ये सिक्सटी थाउजेंड आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा तब जाके नेट प्रॉफ़िट निकलेगा कहाँ पर यहाँ पर आप क्या कर दोगे ये जो लिखोगे यहाँ पे यहाँ पर आप लिखना क्या कितने प्रॉफिट है टू फोर्टी प्लस सिक्सटी तो यहाँ पे आपका थ्री लैक्स आएगा यहाँ पे आपका थ्री लाख आएगा टू फोर्टी प्लस सिक्सटी थ्री लैक्स फिर इधर पे आप क्या करोगे सैलरी वाई को दे दोगे सिक्सटी थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो दे दो दो दोगे और प्रॉफिट जो आएगा वो आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लगा लो चलो इसको भी कराई देते हैं इसमें एक और भी पॉइंट है इसमें एक और भी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है नीचे वाला कह रहा है आप प्रोविजन फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी मेड इन इंस्पेक्टर ऑफ कमीशन टू द मैनेजर ओ हो ये कौन सा है मैनेजर का कमीशन है साहब मैनेजर का कमीशन है जैसी मैनेजर का कमीशन आ गया ध्यान दो मैनेजर कमीशन जैसी आया तो इसे क्या करते हैं हमें सब्सटैक करना नेट प्रॉफिट में ये तो प्लस होएगा यहाँ पे और ये फाइव परसेंट नेट प्रोफिट का निकाल के इसे आप माइनस कर दोगे नेट प्रॉफिट का निकाल के इसे आप सब्सट्रैक कर दोगे तो जो मैनेजर कमीशन आएगा फाइव परसेंट किस पे निकालोगे दो चालीस पे या तीन लाख पे भाई साहब आपको तीन लाख पे निकालना पड़ेगा यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसलिए इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ जाओ जी सेवनटीन वाला भी करा दे रहा हूँ मैं आपको तो एक काम करते हैं थोड़ा सा फास्ट करना है अगर हम लोगों को तो मैंने यहाँ से ये यह पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लिया ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन यहाँ पे इसके बाद एटीनथ भी करेंगे हम लोग तो इसके लिए भी मैं कॉपी कर दे रहा हूँ पहले फॉर्मेट वही सेम ही रहता है मेनली जो आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है उस हिसाब से आपने करना है ठीक है तो आ जाओ जी सबसे पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सिक्सटीन कर लिया है तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेवनटीन आंसर ऑफ सेवनटीन ओके ये सारी चीज़ें आप हटा दो अमाउंट सारे हटा दो बाकी चीज़ें जो जो आएगा वो हम लोग लिख लेंगे नेम आ जाएगा पार्टनर्स का अलग अलग ठीक है तो आ जाओ तो ये फॉर्मेट बन गया हम लोग का क्वेश्चन सेवनटीन का आंसर हम लोग करने वाले हैं आंसर ऑफ सब सेवनटीन सबसे पहले प्रॉफिट लिख दो जी तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो नीचे वर्किंग नोट के लिए जगह हमेशा रखना है वर्किंग नोट हम लोग बना लेंगे तो वर्किंग नोट क्या बनाएंगे नंबर वन आपने क्या निकालना है ट्रांसफर टू रिजर्व निकालना है सॉरी मैनेजर कमीशन मैनेजर कमीशन इक्वल टू कह रहा था फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट तो जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आएगा फाइव बाय हंड्रेड इंटू नेट प्रॉफिट ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्टली ना लिख के टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड ऐड करना है आफ्टर सैलरी वाला था तो फाइव बाय हंड्रेड इन 3 थ्री लाख अब इसे कैंसिल वैंसिल करके आप निकाल लोगे तो ये आएगा आपका फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ तो ये आ गया आपका फिफ्टीन थाउजेंड और यहाँ पे जो आप नेट प्रॉफ़िट लिखोगे तो नेट प्रॉफ़िट कितना लिखोगे यहाँ पे जब आप नेट प्रॉफ़िट लिखोगे तो यहाँ पे तो लिखो आप कितनी रुपीज़ टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड सॉरी प्लस कह रहा हूँ ये माइनस हो जाएगा ये फिफ्टीन थाउजेंड मैनेजर कमीशन वाला माइनस हो जाएगा तो अब कितना बच गया है उसे आप लिख लो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो टू फोर्टी प्लस सिक्सटी थ्री लैख थ्री लाख माइनस फिफ्टीन तो टू लैख एटी फाइव थाउजेंड इसके बाद इसके बाद वाई की सैलरी है तो सैलरी टू वाई दे दो यहाँ पर यहाँ पर सैलरी टू वाई हो जाएगा कितने रुपीज़ सैलरी है आपका सिक्सटी थाउजेंड मैनेजर कमीशन आना नहीं हो सिर्फ माइनस करना था ये भी हो गया ये भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपीज़ है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपीज़ है सेवेंटीन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा कह रहा है फ़ाइव परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कैपिटल है एट एट लैक्स और सिक्स लैक्स किसका एक्स और वाई का तो यहाँ पे दो ही पार्टनर हैं जेड है नहीं तो एक्स और वाई का फाइव परसेंट के हिसाब से आपने क्या कर देना है इंटरेस्ट निकाल देना है एट लैक्स पे और सिक्स लैक्स पे तो फोर्टी थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड आ जाएगा तो 40 और थर्टी थाउजेंड निकाल लेना आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे जो जो चीज़ें ना आए समझ में आसानी से वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं तो एक्स का और वाई का जो ये एट लैक्स ,00 होता है इस पर फाइव परसेंट है फाइव बाई हंड्रेड और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिटेल में हमें कैलकुलेट करना आगे के टॉपिक में सीखना है तो चालीस हज़ार और तीस हज़ार तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया अब टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितना आ रहा है बैलेंसिंग तो टोटल आ गया टू लैख एटी फाइव अब इसमें से आप लेस कर लो वन लैख थर्टी थाउजेंड तो वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड आ जाएगा ये और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है तो चेक करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्री टू टू है तो वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड को वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड को आप बांट दो जी वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड थ्री बाय टू वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू बाय फाइव और थ्री बाय फाइव ये x का और ये y का ठीक है थ्री बाय टू का मतलब है पहले आपको क्या करना है थ्री टू टू का मतलब थ्री प्लस टू करो टोटल फाइव तो थ्री बाय फाइव और थ्री प्लस टू हो गया फाइव तो टू बाय फाइव यहाँ पे लिखा है ना थ्री बाय टू का मतलब है x को थ्री मिलेगा y को टू मिलेगा तो x को थ्री तो ये दोनों को प्लस करना है थ्री प्लस टू पहले बताना था मेरे को बट कोई बात नहीं तो फाइव हो गया तो थ्री बाय फाइव हो गया एक्स का और जेड का वाई का हो गया टू बाय फाइव इस टाइप से रेशो होता है तो ये कितने आ जाएगा फाइव से डिवाइड करोगे तो फाइव थ्री जा फाइव वन जा थर्टी वन यानी कि नाइन्टी थ्री थाउजेंड और सिक्सटी टू थाउजेंड तो यहाँ पे आप लिख लो नाइन्टी टू और सिक्सटी टू सॉरी नाइन्टी थ्री और सिक्सटी टू तो ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन सेवनटीन का प्रॉपर यहाँ पे आप मिला सकते हो 93 और 62,000 ठीक है 17 भी कर लिया अब हम लोग बढ़ते हैं 18 पे हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे करेंगे आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा कोई भी चीज़ें नहीं आएगा समझ में तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है आप क्वेश्चन लिख सकते हो मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूँगा या फिर जो व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पर आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हो मैं आपको क्या करूँगा रिवर्ट कर दूंगा और रिप्लाई करूँगा साथ साथ में सेम चीज़ें जो है अगर आपको ये जो नोट्स वगैरह है इन सब का कोई भी चीज़ का पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है वहाँ से आप जाके आसानी से ये सारे नोट्स आपको मिल जाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आइए ज़रा क्वेश्चन एटीन कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एटीन पे आ जाओ मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग करते हैं फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चंस तो अगर आप कहीं से कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हो तो भी आप सेल्फ स्टडी करके अपना काम चला सकते हो यानी कि अगर आप चाहो तो अपनी ट्वेल्थ क्लास का स्टडी पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी कर सकते हो विदाउट फी विदाउट पेइंग एनी फी तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन एटीन का क्वेश्चन पहले रीड कर लो क्वेश्चन एटीन में कह रहा है क्या अतुल एंड मिथुन अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ थ्री टू टू फिर कह रहा है बैलेंसेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022 वर एज फॉलो कैपिटल अकाउंट्स ओ हो सर यहाँ पे फिक्स बोल दिया जैसी कैपिटल फिक्स बोलेगा तो हम सभी जगह पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे ठीक है ये हमें कंसेप्ट आगे पढ़ने हैं टॉपिक नंबर सेवन में कैपिटल अकाउंट के बारे में दे आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट वन इज़ फिक्स कैपिटल अनदर इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अभी सिर्फ याद रख लो वन इज़ फिक्स कैपिटल अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हमें क्या करना होता है हमें दो अकाउंट बनाना होता है जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज़ करेंट अकाउंट बनाना होता है तो सारे कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा सिर्फ हम लोग करंट अकाउंट से सारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन सारी चीज़ें क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं और एडजस्ट करते हैं और फ्लक्चुएटिंग होता है यानी कि कुछ भी ना बोले तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं तो उसमें सारे काम कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है तो आइए ज़रा फिक्स कैपिटल है तो अतुल का और मिथुन का पाँच लाख छः लाख लोन अकाउंट है अतुल का तीन लाख क्रेडिट है और मिथुन का डेबिट है ओहो हो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको फंसा दिया है क्वेश्चन ने यहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है तो ध्यान से देखो भाई ये कह रहा है क्या अतुल का लोन जो है वो है क्रेडिट थ्री लाख और मिथुन का जो है वो है क्या आपका डेबिट तो एक का प्लस करेंगे एक का माइनस करेंगे किसका प्लस किसका माइनस करेंगे अभी आपको डिस्कस कराएंगे फिर क्या इट वॉज़ अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट परसेंट तो इस पर आठ परसेंट के हिसाब से अलाउ और चार्ज कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फाइव परसेंट सॉरी फाइव थाउजेंड ई फाइव थाउजेंड ईच हैं दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है फाइव थाउजेंड ईच है फिर नीचे एक लाइन कहाँ है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव दो लाख अस्सी हज़ार फॉर द ईयर एंड यहाँ पे बिफोर बोला है तो बिफोर से कोई लेना देना है नहीं बिफोर का मतलब सिंपल होता है नॉर्मली ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि इसमें आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन बोलता तो उसे हम प्लस कर देते हैं और कभी भी रेंट टू पार्टनर फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर उसके अलावा जो है मैनेजर कमीशन ये तीन चीज़ें देते तो उसको हमें सब्सट्रैक करना होता है ये तीन चीज़ें हैं ही नहीं सिंपल क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और आपका जो दिया हुआ है लोन लोन दिया हुआ है ओ लोन भी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे यहाँ पर इसमें प्लस माइनस करेंगे तो जाओ जा जी ध्यान से देखो सबसे पहले फॉर्मेट पे आ जाओ फॉर्मेट पे प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमें एडजस्टमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन का तो यहाँ पे हमें क्या करना है पहले तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे लिख लो कितने रुपीज टू लैख ट्वेंटी हां जी लाइट आ गई तो एक सेकंड दो हाँ जी तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों ने टू लैख एटी थाउजेंड लिख लिया अब इसमें आपको एक बार प्लस करना है और एक बार सब्सैक करना है बिकॉज एक जो लोन है वो फॉर्म ने पार्टनर को दिया है और दूसरा लोन पार्टनर ने फॉर्म को दिया और कौन सा दिया है आ जाओ जी यहाँ पे देखो अतुल का यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लोन अकाउंट अतुल का थ्री लाख का क्रेडिट है अतुल का क्रेडिट है क्रेडिट का मतलब क्या होता है क्रेडिट का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना क्रेडिट सिंपली मीन्स क्रेडिट सिंपली मीन्स ये कहाँ हैं कितने हाँ तो क्रेडिट सिंपली मीन्स होता है क्या कि अतुल ने अतुल ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है फॉर्म के लिए लोन है फॉर्म के लिए लोन है मतलब कि लेवटी साइड है एक तरीके से लेवटी है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर्म को ठीक है तो अतुल वाला माइनस करना है और मिथुन का डेबिट है डेबिट का मतलब होता है एसेट्स एसेट साइड में हम लोग डेबिट वाले सारे आइटम लिखते हैं डेटर्स ठीक है जी या फिर जो हमने एडवांस दिया तो मिथुन को फॉर्म ने दिया है इसको यहाँ पर समझाता हूँ देखो आपको यहां पे समझा देते हैं एक है अतुल का सबसे पहले तो इंटरेस्ट इन, निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन किसका किसका ये यह यहां पे आप लिख लेना वर्किंग नोट है ये नंबर वन तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसका किसका एक तो अतुल का पहले निकालो और दूसरा है मिथुन तो अतुल का आएगा कितना थ्री लैख इंटू एट बाय हंड्रेड एंड मिथुन का है टू लैख है ना इंटू एट हंड्रेड तो ये आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड और ये आ गया सिक्सटीन थाउजेंड एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर और एट टू ज़ा सिक्सटीन आप जो है कैलकुलेशंस करके आसानी से निकाल सकते हो अब यहाँ पे सुनो यहाँ पे सुनो ये है पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है जो अतुल है अतुल है यहाँ पे और ये है आपका मिथुन तो अतुल ने क्या किया है अतुल ने फॉर्म को लोन दिया है क्रेडिट का मतलब होता है भाई बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो ना तो बैलेंस शीट में जो लेबटी साइड वाला आइटम होता है ना वो क्या होता है क्रेडिट वाला होता है एसेट साइड वाला क्या होता है डेबिट वाला होता है तो यहाँ पे अतुल का लोन लिखा हुआ है थ्री लाख का इसका मतलब फ़ॉर्म के लिए वो लेबलिटी है तो फॉर्म ने तीन लाख रुपए का लोन लिया हुआ है अतुल से और इस पर फॉर्म क्या करेगा इंटरेस्ट पे करेगा इंटरेस्ट जो है पे करेगा इंटरेस्ट पे करेगा यानी कि देगा अलाउ करेगा और इस वाले ने मिथुन वाले ने क्या किया है मिथुन वाले ने फॉर्म से लोन लिया हुआ है दो लाख रुपए का तो इस पर क्या करेगा फॉर्म जो है मिथुन से इंटरेस्ट रिसीव करेगी इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो इसका जो है ये इनकम है फिर से लाइट कर गई हाँ जी तो ये बार बार जो है ना लाइट कट जा रही थी आ जाओ हम लोग कहाँ पे थे तो यहाँ पे आओ जरा एक सेकेंड मैंने आपको क्या बताया दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है लोन अकाउंट है एक तो है अतुल का लोन अकाउंट जो है एक तो अतुल का है और एक है मिथुन का तो अतुल का क्या लिखा हुआ है क्रेडिट और मिथुन का क्या लिखा हुआ है डेबिट थ्री लाख और टू लाख रुपीज़ का और यह है लोन अकाउंट इसका मतलब क्या है पहले तो ये यह समझो यहाँ पे आओ तो मान लो ये है अपना पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है थी तो ये है पार्टनरशिप फॉर्म और अतुल और मिथुन दो पार्टनर हैं अब ये है मिस्टर अतुल और ये है मिस्टर मिथुन और ये है आपका अतुल ओके अब याद करो अगर आपने बैलेंस शीट बनाया है क्लास इलेवेंथ में और सही से अगर आपको कंसेप्ट याद है तो ज़रा याद करो बैलेंस शीट में जो लैब्टी साइड होता है उसका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है अगर आपने मेरे से क्लास लिया हुआ है तो आपको याद होएगा जो ये एसेट साइड होता है और ये आपका लैब्टी साइड होता है तो इधर पे जितने भी आइटम होते हैं लेब्टी साइड में उस सभी का बैलेंस क्रिएट होता है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों ना और जितनी एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होते हैं उसका बैलेंस होता है डेबिट तो क्रेडिट वाला बैलेंस का मतलब है अगर ये फॉर्म का बैलेंस शीट है मान लो ये फॉर्म का बैलेंस शीट है तो फॉर्म के क्रेडिट में लिखा हुआ है अतुल अच्छा कितने रुपीज़ का अतुल लिखा हुआ है थ्री लैक्स का और फॉर्म के डेबिट में लिखा हुआ है मिथुन टू लैक्स का तो इसका मतलब है फॉर्म ने फॉर्म ने क्या किया हुआ है फॉर्म ने फॉर्म ने अतुल से लोन लिया हुआ है थ्री लाख रुपीस का फॉर्म ने लोन लिया हुआ है और यहाँ पे मिथुन का डेबिट है इसका मतलब है मिथुन को लोन दिया है मिथुन को लोन दिया है टू लाख रुपीज का ठीक है जी तो अतुल से लोन लिया है तो अतुल को क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट फॉर्म जो है क्या करेगी फॉर्म जो है पे करेगी पे करेगी फॉर्म के लिए क्या है एक्सपेंसेस हैं और मिथुन से क्या होगा मिथुन से जो है इंटरेस्ट जो है मिथुन से जो है इंटरेस्ट क्या करेगी फॉर्म रिसीव करेगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा रिसीव्ड होएगा, होएगा. ठीक है जी यानी कि यह है आपकी इनकम यह है आपका इनकम ठीक है ये है आपका इनकम अब इस पर इंटरेस्ट निकालो तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल दिया है कैलकुलेट कर दिया है तो ये जो था अतुल वारा डेबिट था तो ये जो 24000 है ये 24000 क्या होगा फॉर्म को देना पड़ेगा फॉर्म देगा फॉर्म जो है देगा यानी कि यह एक्सपेंस पे करेगा देगा और ये है इनकम रिसीव करेगा इनकम लेगा फॉर्म ठीक है जी इंटरेस्ट जो है लोन पे लेगा तो जो हमारी इनकम है उसे प्लस करना है और जो हमारा एक्सपेंस है फॉर्म के लिए उसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे चौबीस हजार आप क्या कर दोगे सब्सट्रैक्ट और सोलह हजार जो रिसीव करना है मिथुन वाला उसे आप क्या कर दोगे प्लस ये मिथुन का है और ये है अतुल का ठीक है जी और जो आएगा वो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा तो उसे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा सोलह और चौबीस का नेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका सोलह चार और चार आठ तो आठ हजार आप माइनस कर लो तो टू लैख ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया ना टू लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड आ रहा है कितना आ रहा है हाँ ये रहा ना तो इसे आप जरा प्लस माइनस करो सिक्सटीन और ये एट अच्छा ओके गड़बड़ ये किया ना हमने यहाँ पे 280 नहीं 228 है ना वही तो मैं कहूँ कि इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है 228 है ना टू लैख ट्वेंटी है ठीक है 228 है तो अब जो है ना अब यहाँ पे कर दोगे तो सीधा सीधा एक्चुअल आ जाएगा ना ये पूरा बैलेंस 16 प्लस कर लोगे 24 माइनस करोगे तो टू लैख ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पर ठीक है जी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट पड़ो तो ये हमने लोन वाला कर लिया कैपिटल फिक्स दैट अलाउ इंटरेस्ट एंड चार्ज इंटरेस्ट एट परसेंट तो ये हो गया पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है टेन परसेंट तो फाइव लाख ,00 का टेन परसेंट फिफ्टी थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड सिक्स लैक्स का अगर आप चाहो तो यहां पे दोबारा वर्किंग नोट टू करके आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका भाई अतुल का वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बट वर्किंग अगर बनाना है तो आप यहाँ पे बना के और दिखा दोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा बाकी प्रैक्टिस के लिए आप ये सारी चीज़ें वर्किंग नोट में दिखाते रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा तो 50 और 60। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह करेंट अकाउंट ही आएगा लेकिन ये आएगा अतुल का और ये आएगा मिथुन का तो ये आएगा फिफ्टी थाउजेंड और ये आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड टोटल आ गया एक लाख दस हज़ार सैलरी कोई है नहीं और यहाँ पे भी अतुल और आपका मिथुन आ जाएगा और ये करेंट अकाउंट ही रहेगा ठीक है जी मिथुन अतुल करेंट अकाउंट ही रहेगा ओके तो अब यहाँ पे टोटल कर लो दो लाख बीस हज़ार दो लाख बीस हजार और उसके अलावा यहाँ पे हमने इंटरेस्टल कैपिटल दे दिया और क्या है और क्या इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स तो सीधा सीधा पाँच पाँच हजार ईच दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंगस ये भी क्या आएगा अतुल और मिथुन का करेंट अकाउंट ही आएगा अतुल्स और मिथुन करेंट अकाउंट ठीक है जी ए पोस्ट ऑफिस भी आप लगा लेना सब में कोई दिक्कत नहीं पाँच हजार और पाँच हजार तो ये आ गया टोटल दस हजार तो यहाँ पे आएगा दो लाख तीस हजार और दो लाख तीस हजार अब दो लाख तीस में आप एक लाख दस हजार लेस कर लो तो बच गया दो लाख तीस में एक लाख दस हजार माइनस करोगे तो एक लाख बीस हजार बच जाएगा और यहाँ पे रेशो कितनी है थ्री इज टू टू है तो फिर से थ्री इज टू टू है तो आप बांटोगे तो सेवेंटी टू और फोर्टी एट अपने आप आ जाएगा यह आएगा सेवनटी टू थाउजेंड और फोर्टी एट थाउजेंड कैसे तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो ये जो प्रॉफिट आया है ए का और मिथुन का एक लाख बीस हज़ार इंटू थ्री बाय फाइव एक लाख बीस हज़ार इंटू टू बाय फाइव सेवेंटी टू और फोर्टी एट कैसे आएगा कर लेना फाइव से करोगे तो फाइव टू ज़ा टेन फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर करोगे इंटू टू फोर्टी एट ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सेवेंटी टू थाउजेंड तो ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन नंबर एटीन का सॉल्यूशन हो गया आंसर हो गया आई होप आपको एटीन भी समझ में आ गया होगा नाउ रिमेनिंग दो क्वेश्चन है उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नाइनटीन कह रहे हैं आपसे रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशो वॉट रेशो इक्वली दिया मतलब शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली पार्टनरशिप डीट प्रोवाइड्स बोथ रीमा एंड शीमा विल गेट मंथली सैलरी ईच तो पंद्रह हजार टोटल मत लिख लेना पंद्रह हज़ार है तो भाई साहब ईच तो है पंद्रह पंद्रह लेकिन ये मंथली है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पंद्रह हज़ार इंटू ट्वेल्व कई बार अमाउंट देख के बच्चे ना क्या हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते पंद्रह हज़ार है तो टोटल तो तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है पढ़ो मंथली है या एनवली है मंथली होगा ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ ट्वेल्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल भी अलाउड एट फाइव परसेंट पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल भी चार्ज एट टेन परसेंट पर एनम दियर कैपिटल वर फाइव लाख ईच दोनों की कैपिटल पाँच पाँच लाख है एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर सिक्सटी थाउजेंड ईच दोनों का ईच झ है मतलब सिक्सटी सिक्सटी ईज का मतलब दोनों लोगों ने साठ साठ हज़ार और पाँच पाँच लाख दोनों का है फिर कह रहे हैं आगे अन नेट लॉस ओ माई गॉड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब इस क्वेश्चन में नेट लॉस है इसे कर लो अंडरलाइन ये दिया हुआ है नेट लॉस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में है नेट लॉस तो वेरी इंपॉर्टेंट इस बार नेट लॉस है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि जब कभी नेट लॉस होता है तो अप्रोप्रिएशन क्या होता है नहीं अलाउ होता सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है प्रॉफिट हो चाहे लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का तो कोई दिक्कत नहीं वो हमेशा देना है लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स की सैलरी है पार्टनर्स का कमीशन है वो आप क्या करोगे अलाउ नहीं करोगे ठीक है या यू कैन से जितने आपके प्रॉफिट हैं उतने ही तक आप अलाउ कर सकते हो नेट लॉस के केसेज में तो इसे हम लोग करते हैं सोल्यूशन आ जाओ जी फटाफट यहाँ पर पहले फॉर्मेट देख लें यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे लिख लो जी सॉल्यूशंस किसका हम लोग करने वाले हैं नाइनटीन आंसर नाइनटीन है, 19th. Answer, 19th है. और ये सारी चीज़ें आप फटा लो फटाफट क्योंकि इस बार प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ है तो लॉस आ जाएगा अपने को प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा ओके okay. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेट लॉस दिया हुआ तो नेट लॉस को किस तरफ में लिखना होता है नेट लॉस को हमें लिखना होता है यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या है आपका नेट लॉस दिया हुआ है कितने रुपीज़ आजब जी वन लाख रुपीज़ तो आपने वन लाख रुपीज़ लिख लेना है यहाँ पे उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आएगा ये तो इनकम है ना तो इनकम तो भाई दो फॉर्म की इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स कितने रुपीज ये कह रहा दस परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स कितने सिक्सटी थाउजेंड है ओके तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन कौन पार्टनर है रीमा एंड शीमा रीमा एंड सीमा साठ हजार पे दस परसेंट कितने छ हजार हो जाएगा तो ये हो गया आपका बारह हज़ार बस और कुछ नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देना ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं होगा सैलरी कुछ भी नहीं होएगा क्यों क्योंकि लॉस है लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होता ये अच्छे से याद रख लेना है लॉस के यहाँ पे नोट डाल दो वर्किंग नोट नंबर वन सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया एक तो रीमा का और सीमा का भाई साठ हजार ईच है तो टेन बाई हंड्रेड कर दो छः हज़ार इसी को आप लोग कॉपी कर लो इसका भी छः हजार और इसका भी छः हजार तो दोनों का छः हजार हो गया और वर्किंग नोट नंबर टू डाल दो क्या नोट नंबर टू डाल दो जो कि इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोपियेशन आर अलाउ, नो अप्रोपियेशन आर अलाउड लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सैलरी कौन सा सैलरी टू पार्टनर वाला याद रख लेना है फिर उसके अलावा जो है कमीशन टू पार्टनर और एक और आएगा आपका रिजर्व्स, रिजर्व्स ठीक है जी ये चीजें अलाउ नहीं होती तो ये हमने नोट में भी यहाँ पे लिख दिया ओके तो अब आ जाओ तो ये टोटल नेट लॉस कितना हो गया तो नेट लॉस हो गया यहाँ पे लिख लो बाय लॉस वाइज बार, ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं है ना रीमा और सीमा एक बार चेक कर लो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो वी एज फ्लक्चुएटिंग करेक्ट तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कितने आ गया एक लाख रुपए तो ये आ गया एक लाख में ट्वेल्व थाउजेंड लेस कर लो तो ये आ जाएगा एटी एट थाउजेंड और रेशो इक्वली है तो फोर्टी फोर और फोर्टी फोर है यहाँ पे नाइन्टी फोर का लो सक ओके रेशो इक्वली दिया हुआ है नाइन्टी फोर कैसे आ, एक सेकेंड एक सेकेंड सिक्सटी थाउजेंड नीचे टेन परसेंट तो सिक्स सिक्स हुआ ना नेट लॉस है वन लाख का वन लाख का लॉस है ट्वेल्व लेस करोगे तो एटी एट तो फोर्टी फ़ोर फोर्टी फ़ोर हुआ ना? और कहाँ पे दिक्कत आ गई है चेक करो ज़रा अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो हमने अभी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है ओके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है उसमें एक चीज पढ़ना है क्या देखो अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़े के लिए बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है देखो यहाँ पे जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे ना वेन एवर वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वेन एवर वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उस केस में अगर मंथ नहीं दिया होता है तो हमें सिक्स मंथस अज्यूम करना होता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में अगर आपको मंथ गिवेन नहीं है वेन डेट ऑफ विथड्रॉल यानी कि डेट ऑफ विथड्रॉल इज नॉट गिवन वी एज्यूम सिक्स मंथ्स तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिक्स मंथ्स का निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये ड्रॉइंग्स तो दिया हुआ सिक्सटी थाउजेंड लेकिन किस डेट को करा है ये गिवेन नहीं है तो इस सिक्सटी थाउजेंड पे टेन परसेंट जो निकालोगे वो सिक्स मंथ्स का निकालोगे तो सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे थ्री थाउजेंड होएगा तो यहाँ पे आप लिख लो कितना थ्री बाय सॉरी थ्री कह रहा हूँ सिक्स बाय टूवेल्व तो थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड सिक्स मंथ्स वी हैव अज्यूम्ड हमें अज्यूम करना होता है सिक्स मंथ्स तो यहाँ पे ये आ जाएगा थ्री और थ्री यहाँ पे लिख लेना है आपको थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड तो इसलिए ये आएगा आपका नाइन्टी फोर थाउजेंड ओके ये आ गया नाइन्टी फोर थाउजेंड तो फोर्टी से ये नाइन्टी सॉरी सिक्स थाउजेंड नाइन्टी फोर आए ना नाइन्टी फोर थाउजेंड लॉस आया तो फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी सेवन थाउजेंड ये आपका करेक्ट आंसर आ गया तो ये आपका करेक्ट सोल्यूशंस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है तो आजाद जी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन ट्वेंटी क्या कह रहा है आपसे कह रहा है क्या भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली दी फिक्स कैपिटल एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022 इसकी फिक्स कैपिटल है इसकी भी कैपिटल क्या है फिक्स है तो फिक्स कैपिटल है वर एट लैक्स एंड टेन लैक्स रेस्पेक्टली दी ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लाख रेस्पेक्टली अब देखो यहाँ पे भी ड्रॉइंग्स क्या है डेट नहीं है ड्रॉइंग्स की डेट नहीं है तो हमें सिक्स मंथ्स खुद से अज्यूम करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट टेन परसेंट पर एन एम ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट फिफ्टीन परसेंट पर एन एम तो छः महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इकतीस मार्च दो हज़ार तेईस का बिफोर गिविंग अबव इफेक्ट वाज एक लाख बीस तो यहाँ पे अब अब का मतलब बिफोर का मतलब कुछ भी नहीं आफ्टर होता तो ऐड करते अदरवाइज़ बिफोर रहेगा तो आपको कुछ भी करना सीधा सीधा एक लाख बीस हज़ार ही लिखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपियेशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे आ जाओ क्वेश्चन का आंसर्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे ये सारी चीज़ें हटा दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है सैलरी है नहीं और फिक्स कैपिटल बोला है तो इस बार भी करंट अकाउंट आ जाएगा और दो ही पार्टनर्स हैं है ना दो ही पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन ट्वेंटी का सॉल्यूशंस करना है हम लोगों को तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है एक लाख बीस हजार फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स कौन कौन से पार्टनर हैं भानु एंड प्रताप तो यहाँ पे लिख लो भानु और प्रताप यहाँ पे लिख लो भानु और प्रताप भानुज और प्रताप ओके और ये आप हटा दो तो इसी को मैं सभी जगह पे कॉपी कर लेता हूँ भानुज करेंट अकाउंट और प्रताप का करेंट अकाउंट क्योंकि आपका क्या हो जाएगा जब भी फिक्स कैपिटल मेथड आएगा तो सभी जगह पे आपका करेंट अकाउंट से एंट्रीज़ होती हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया तो वर्किंग नोट यहाँ पे हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर वन इसने बोला है आठ लाख और दस लाख कैपिटल है इस पर इंटरेस्ट है दस परसेंट तो, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट आप शॉर्ट में भी बना सकते हो याद रख लेना वर्किंग नोट डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं होती है भानु और प्रताप आठ लाख और दस लाख डिवाइडेड बाय दस बाय हंड्रेड तो एट्टी थाउजेंड और वन लाख इसके बाद है ड्राइंग्स है फिफ्टी और वन लाख इस पर पंद्रह परसेंट है छः महीने का सेकंड निकाल लो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कितना आ जाएगा ध्यान से बताओ भानु और प्रताप का भानु और प्रताप पचास और एक लाख था पचास हज़ार और एक लाख इस पर फिफ्टीन परसेंट है और मंथ की बात करें तो सिक्स बाई ट्वेल्थ सर इसमें भी तो मंथ करो कैपिटल में भी बेटे कैपिटल में क्या होता है ओपनिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है तो बारह बटा बारह करोगे तो भी वही सेम चीज़ हो जाएगा तो ये करो ट्वेल्व बाय ट्वेल्व या ना करो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ये ध्यान रख लेना तो ये हो जाएगा आपका कितना फिफ्टीन फाइव सेवेंटी फ़ाइव थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड तो ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इसे आप लिख दो यहाँ पे थ्री सेवन फाइव जीरो और ये आया है कितना 80 और वन लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है एटी थाउजेंड और वन लाख तो वन लाख एटी थाउजेंड अब यहाँ पे ओहो अब देखो जरा एक और भी चीज़ यहाँ पे पहले तो ये लिख लो सेवन थ्री टेन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है ज़रा ध्यान दो क्वेश्चन ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ क्वेश्चन ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ यहाँ पे दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट देखो जी मैंने क्या कहा आपसे अगर अगर आपका नेट लॉस आता है नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन में नेट लॉस आएगा अगर आपको तो आप क्या करोगे ध्यान देनी मेरी बातें ये कितना है पहले तो इसे लिख लो एक लाख अस्सी फिर इसमें करेक्शन कराएंगे देखो प्रॉफिट है आपका एक लाख बीस हज़ार आपके पास इनकम हो रहा है इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स का ग्यारह हज़ार दो सौ पचास टोटल कितना हो गया है एक लाख इकतीस हज़ार दो सौ पचास वन लाख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी वन लाख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी हो गया है राइट right? अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक लाख अस्सी हज़ार वन लाख थाउजेंड क्या प्रॉफिट आपके पास सफिशियंट है आंसर इज नो प्रॉफिट तो कम है तो जब आपके पास प्रॉफिट ये सारे कम होगा तो आप इंटरेस्ट कैपिटल क्या कर सकते हो पूरा नहीं दे सकते ऊपर में देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये लॉस था तो लॉस के केस में बिल्कुल नहीं दिया हमने इंटर्स्ट कैपिटल सैलरी बिल्कुल अप्रोपिएशन देना ही नहीं है अप्रोपिएशन इज नॉट अलाउड इफ़ देयर इज अ लॉस लेकिन अगर प्रॉफिट है और कम प्रॉफिट है कम प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है ना उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या कमीशन जो भी अप्रोपियशन है वो हम दे सकते हैं और इसी रेशो में देना पड़ेगा तो इसका रेशो हमें अलग से निकालना पड़ेगा कैसे अब देखो जरा ध्यान से इसको देना है कितने एट्टी थाउजेंड और वन लाख तो इसी रेशो में हम लोग क्या करेंगे ये जो बचा हुआ है जो भी टोटल प्रॉफिट है इसे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना इस पर प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं बचेगा ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि सारा पैसा जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने में खर्च हो जाएगा तो इसके लिए हमें अलग से एक वर्किंग नोट बनाना है वर्किंग नोट नंबर थ्री इंपॉर्टेंट है इसमें हम रेशो निकालेंगे और उस रेशो से क्या करेंगे उस रेशो के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है तो हमने निकाला है यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना एट्टी थाउजेंड और वन लाख तो यहाँ पे जो रेशो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा बताओ जी अब एक काम करो इस वाले क्वेश्चन में ना अभी आप फिलहाल क्या करो देखो मैं जो बताया कि भाई आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है तो आप क्या करोगे सफिशेंट जब प्रॉफिट नहीं होएगा ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना दे ही नहीं सकते ठीक है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते बट आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको ना लॉस मान के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ इक्वली है तो इक्वली तो आप फिलहाल यहाँ पे यही कर लो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे दिखाएंगे क्यों क्योंकि अभी जो है वो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आप क्या कर लो अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो सेम हो जाता है तो आप यहाँ पे फिलहाल क्या कर लो देखो जी ये वन लैख एटी थाउजेंड आया था आप कुछ मत करो सीधा सीधा कर दो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसे एटी लिख लो और इसे वन लाख ,00 लिख लो यहाँ पे एक लाख अस्सी हज़ार लिख देना है आपने सिंपल है और इस तरफ में डिफरेंस जो आएगा वो लॉस हो जाएगा आपका लॉस ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट ठीक है ये वर्किंग वर्किंग कोई ज़्यादा झमेले वाली बात है ही नहीं ठीक है देखो ध्यान से एक बीस प्रॉफिट है आपका इतना इनकम आ गया टोटल और एक अस्सी इंटरेस्टमेंट कैपिटल देना है तो इंटरेस्टमेंट कैपिटल एक अस्सी है और आपके पास प्रॉफिट इतना ही है तो जो डिफरेंस है वो एक तरीके से लॉस है तो अल्टीमेटली जो है वो लॉस क्या हो जाएगा करेंट अकाउंट में यहाँ पर या बांट दो बाकी वैसे हमें करना क्या चाहिए देखो जी करना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया वही आपके बुक में ऐसा इसलिए पहले ये बता दे रहा हूँ बाकी हम करेंगे कैसे वो भी आपको बता देता हूँ रुक जाओ पहले जैसे बुक में आंसर आपको दिया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ नहीं तो अदरवाइज़ आप कहोगे कि हाँ जी बुक में गलत दिया हुआ है मतलब बुक में जो दिया हुआ है सही है मैं आपको गलत बता रहा हूँ इसका इफेक्ट भी आपको सारी चीज़ें टैली करा दूँगा देखो तो एक लाख अस्सी है अब इसमें से माइनस कर लो एक लाख अस्सी हज़ार में से माइनस कर लो एक लाख बीस और इक्कीस इकतीस हज़ार दो सौ पचास तो सात सौ पचास तो ये आ गया ये एट आ गया सेवन माइनस थ्री फोर फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड सेवन फिफ्टी ये आया है आंसर फोर्टी एट थाउजेंड सेवन फिफ्टी ठीक है जी आंसर पहले टेली करा दे रहा हूँ मैं तो फोर्टी एट थाउजेंड सेवन फिफ्टी जो कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव आ जाएगा इसका हाफ कर दोगे तो इक्वल है तो हाफ़ कर देना इक्वल इक्वल तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया बट आपको करना क्या चाहिए देखो मैं आपको बता दूं एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन ट्वेंटी है इसका इफ़ेक्ट होगा क्या वो आपको बता देना बुक के अकॉर्डिंग ये एज़ पर बुक ये जो सॉल्यूशनस है मैंने आपको एज पर बुक कराया है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एज़ पर बुक और एक्चुअल में होना क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा के बता रहा हूँ देखो जरा एक मिनट दो हाँ जी होना क्या चाहिए ये जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में है इल में जब आप देखोगे तो वहाँ पे इस टाइप से जो मैं अब बता रहा हूँ वैसा करा आएगा ठीक है और करना भी वैसा चाहिए तो लॉस एक्चुअली में करंट में कितना हमने ट्रांसफर कर दिया लॉस की बात करें तो लॉस हमने क्या किया 24375 एंड 24375 तो एक बार आप देखो जरा इसका इसका इफेक्ट क्या हुआ आप क्या कर रहे हो इंटरेस्टमेंट कैपिटल 80 दे रहे हो और लॉस कितना दे रहे हो बांट रहे हो उसमें चौबीस तो जब इसका नेट इफेक्ट आएगा क्या आएगा नेट इफेक्ट भी आपको करा दूंगा अभी पहले इसको सॉल्व करा दें पहले यहाँ पर नेट इफेक्ट देखो अस्सी आप क्या कर रहे हो रीमा को दे रहे हो और सीमा को दे रहे हो एक लाख क्रेडिट कर रहे हो यानी प्लस और माइनस कितना कर रहे हो यानी कि डेबिट यहाँ पे चौबीस तीन सौ पचहत्तर और चौबीस तीन सौ पचहत्तर माइनस करके बताओ जरा कितना हो गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा पच्चीस यानी कि हो जाएगा थर्टी फाइव थाउज़ेंड थर्टी फाइव ना आएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव हो जाएगा आपका फ़िफ्टी फाइव सिक्स और इसमें माइनस कर लोगे तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव ये नेट इफेक्ट है इतने एक तरीके से आपको एक्चुअली में पार्टनर्स ले जा रहे हैं क्रेडिट हो रहा है डेबिट और क्रेडिट माइनस कर दिया तो नेट इफ़ेक्ट ही आया अब यहाँ पे देखो क्या करना है सबसे पहले एक अस्सी है तो आप दे नहीं सकते एक अस्सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे ही नहीं सकते तो आप दोगे कितना तो ये जो टोटल आया है ना ये जो टोटल आया है वन लाख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी वन लाख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी तो इसको आपको इसी रेशो में देना है एट इज टू टेन में आप क्या करोगे रीमा और सीमा यही नाम था ना रीमा और सीमा ही नाम है ना सॉरी भानु और प्रताप भाई ओह ओह आई एम सो सॉरी भानु और प्रताप यहाँ पे भी लिख लो भानु और प्रताप ठीक है तो ये जो वन लैख थर्टी थाउजेंड है ये जो आपका वन लैख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी है इसको आपको देना किस रेशो में चाहिए एट बाय एटीन और टेन बाई एटीन ये रेशो जो आता है ना ये रेशो किससे आया एट्टी थाउजेंड रेशो आपका वन लाख इस रेशो में आपको देना चाहिए जिस रेशो में इंटरेस्ट इंटरेस्टमेंट कैपिटल उसको देना है ठीक है जी तो ये आना चाहिए एट रेशो टेन यानी कि एट बाय एटीन और टेन बाय एटीन इस रेशो में इसको मिलेगा तो यहाँ पे ज़रा कैलकुलेटर से एक बार टोटलिंग कैलकुलेट कर देता हूँ मैं जब आप इसको करोगे क्या वन थर्टी वन टू फिफ्टी डिवाइडेड बाय एटीन इंटू एट तो ये आएगा फिफ्टी एट थ्री 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 वन थर्टी वन टू फिफ्टी एटीन टेन सेवन टू नाइन वन सिक्स ये यहाँ पे देखो ये इफ़ेक्ट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है एग्जैक्ट आना चाहिए और रेशो की वजह से हो रहा है तो मिलना चाहिए इसको इतना 5833 और 72 कितना आया था 72961 917 ये आना चाहिए 131250 एक्चुअली में ये होना चाहिए बट बुक में जो आंसर है मैंने आपको वो करा दिया एज़ पर बुक तो आपको एज़ पर बुक कर लेना कोई टेंशन वाली बात नहीं ऐसा इसलिए क्या हुआ है क्योंकि नेट लॉस है साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अब पता नहीं क्यों क्या हुआ है बुक में ठीक है जी बट आपको करना चाहिए इस टाइप से बट बुक के अकॉर्डिंग आप आंसर कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 15 वाला भी मैंने आपको करा दिया तो आज वाला लेक्चर यहीं तक है बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो थर्ड होएगा हम लोगों का लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर जिसके क्वेश्चन है सिक्स से लेके कर सिक्स से लेके कर फोर्टीन तक के क्वेश्चन करेंगे ठीक है बाकी किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अपना डाउट या व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो वहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसी के साथ बाय बाय हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर थ्री में